स्कूल नहीं खुलेंगे, ऑनलाइन क्लासेस जारी रखे। जशपुर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी बड़ी सौगात, 792.86 करोड़ रुपए की 196 विकास कार्यों की दी सौगात। दंतेवाड़ा में गौधन न्याय योजना से आत्मसमर्पित नक्सलियों को फायदा, गौ संवर्धन केंद्र पहुंचकर आत्मनिर्भर बन रहे नक्सली। रायपुर गोल बाजार का स्वास्थ्य मंत्री ने किया निरीक्षण, कोरोना को लेकर लोगों से मास्क लगाए रहने की स्वास्थ्य मंत्री ने की अपील। कांकेर के जिला मुख्यालय में घूम रहा भालुओं का झुंड, भालुओं को आतंक से लोग भयभीत, रात में होते ही आ जाते हैं रिहायशी इलाकों में भालू। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर आपको बुलेटिन की शुरुआत में छत्तीसगढ़ से बता रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट आया है, सीएम ने चल रही योजनाओं को बताया चुनौतियों से मुकाबला करने की कही है बात। ट्वीट करके सरकार पर बोला है हमला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर ट्वीट के जरिए बोला है हमला। सीएम ने चल रही योजनाओं को बताया चुनौतियों से मुकाबला करने की कही बात। ट्वीट कर केंद्र सरकार पर बोला है हमला। बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने जशपुर जिले के प्रवास के दूसरे दिन सराना एथेनिक रिसोर्ट में आम पौधों का रोपण किया। मुख्यमंत्री ने इसके बाद बाला छापर स्थित समेकित चाय रोपाली भूमि पूजन किया, चाय के पौधे रोपे। इस अवसर पर खाद्य और जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत, संसदीय सचिव विधायक चिंतामणि महाराज, जशपुर विधायक विनय भगत, कमिश्नर सुश्री जिनेवीवा किंडो, कलेक्ट्रेट महादेव कांवरेर और पुलिस अधीक्षक बालाजी राव उपस्थित रहे। इसी बीच आपको रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, बड़ी खबर रायपुर से बता रहे हैं, जहां रायपुर में उत्तर दक्षिण छत्तीसगढ़ का होगा मिलन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 17 दिसंबर को चंदखुरी में होगा मिलन। 2 वर्ष पूर्व होने पर वृक्ष रोप कर मनाया जाएगा उत्सव। राम वनगमन परिपथ में पर्यटन रथ तथा बाइक रैली। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, रायपुर में उत्तर दक्षिण छत्तीसगढ़ का होगा मिलन। 17 दिसंबर को चंदखुरी में होगा मिलन। 2 वर्ष पूर्व होने का वृक्ष रोप कर मनाया जाएगा उत्सव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, उत्तर दक्षिण छत्तीसगढ़ का होगा मिलन। 2 वर्ष पूर्व होने पर वृक्ष रोपण कार्यक्रम के साथ होगा उत्सव का आयोजन। 17 दिसंबर को चंदखुरी घाट पर होगा मिलन। 2 वर्षों से पूर्व होने पर वृक्ष रोप कर मनाया जाएगा उत्सव। राम वन गमन परिपथ में पर्यटन रथ तथा बाइक रैली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं कैबिनेट मंत्री, विधायक और महापौर द्वारा राजधानी रायपुर के जेल रोड देवेंद्र नगर पहुंचकर मुख्य मार्गों में नवनिर्मित ग्लोब चेक और सड़क चौड़ीकरण के कार्यों का लोकार्पण किया गया। जिस ग्लोब चेक का लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया, उसको लोकार्पित कार्य की निविदा लोक निर्माण विभाग द्वारा ऑनलाइन सिस्टम टेंडर द्वारा निकाली गई।
की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से घोटाले पे घोटाले चीजें निकल करके आई है और जिस प्रकार से सरकार की कार्य करने की पद्धति, पिछले दिनों भी मैंने एक विषय सबके बीच में लेके आया था कि जिस विधानसभा का बजट में प्रावधान तक नहीं था, दो भागों में काम हुआ है। एक हुआ है 96 लाख जिसमें दुकानों को हमने शिफ्ट करके पीछे जिसको हमने दुकान बनाई है। एक जिसका टेंडर हुआ है 42 लाख रुपए का जिसमें हमने ग्लोबल चौक बनाया। ये बात सरासर गलत है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। दोनों जो काम हुए हैं वो बाकायदा उसके टेंडर हुए हैं और टेंडर के बाद फिर जो निविदा में फर्स्ट आई है उसको वह काम दिया गया है। मैं माननीय राजेश मोड़क जी से पूछना चाहता हूँ कि एक्सप्रेस वे जो बना जिसमें कई करोड़ रुपये खर्चा हो गया उसके बारे में वो बात करें जिसमें बीच में गड्ढा हो गया, अभी तक के रोड चलने लायक नहीं है। कोरबा के लमेरू क्षेत्र अंतर्गत स्थित सरेटा पर्यटन केंद्र में कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा शराब के नशे में पर्यटन स्थल जाकर स्वयं को पुलिस अधीक्षक कोरबा होने का बताया और पर्यटन स्थल में कार्यरत पर्यटन विभाग के कर्मचारी एवं अन्य लोगों को धमकाया। बिना टिकट ले शासकीय बोट को अपने कब्जे में लेकर जबरदस्ती पानी में स्वयं चला रहे थे। सतरेंगा स्थित पर्यटन विभाग में बने रिसोर्ट के कमरों को खुलवाने के लिए अभद्रता की। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के द्वारा प्रकरण संज्ञान में आने के उक्त आरोपियों के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी होने से इनकार किया गया। कुछ लोग गए हुए थे और उन्होंने जो है पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी का नाम लेकर के अपना उनका परिचित बताते हुए वहाँ पर भद्रतापूर्वक व्यवहार किया और वहाँ पर जो केयर टेकर हैं उनसे जबरदस्ती रिसॉर्ट का चाबी मांग रहे थे। साथ ही जो वहाँ पर जो नाव वगैरह है उसको भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश किया था और जबरदस्ती उसमें चढ़ करके जो उसका हैंडलर है जो नाव का उससे चाबी लेकर के खुद ही ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे। इस बात की सूचना जो है पुलिस कप्तान महोदय को प्राप्त हुआ तो उन्होंने संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया। चूँकि लेमरू जो है काफ़ी दूर है इसलिए थाना प्रभारी बालको को निर्देशित किया गया था। थाना प्रभारी बालको वहाँ पर जा करके उक्त परिस्थिति को देखा तो ये हुज्जतबाजी करते हुए पाए गए और इस वजह से जो है उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान खरीदी का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है जिसके चलते किसान अपनी धान की उपज धान खरीदी केंद्रों में बेचने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं, जिसके चलते के न्यूज़ की टीम ने कांकेर जिले के नहरपुर तहसील में धान खरीदी केंद्र का जायजा लिया जिसमें अपने धान का विक्रय करने पहुंचे किसानों से बताया कि धान खरीदी केंद्र में अभी भी नियमित रूप से धान बेचने में उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ रहा। केंद्र में पर्याप्त मात्रा में अभी तक उन्हें बारदाने व टोकन काटने के किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। व्यवस्था है लेकिन शौचालय के लिए तो नहीं है, अंदर में है क्या थे। कितना धान बेच चुके हो? अभी तो तौल नहीं हुआ है मेरा, ऐसे ही भर के रखे हैं। अब काटा होने के बाद क्या धान मिल रहा है? ये धान का 1888 रुपये मिल रहा है। मोटा धान की हुआ है सर 104.80 और पतला का हुआ है 789 क्विंटल। टोटल कितना धान खरीदी हो चुका है? टोटल हुआ है 894 क्विंटल। अभी क्या दाम दिया जा रहा है किसानों को उनके धान का? धान का है सर पतला का है 1888 रुपये। और मोटा का? मोटा का है 1868। क्या कि अभी बारदाना और टोकन की कहीं कोई समस्या नहीं है, पर्याप्त है, परंतु उसके अलावा पेयजल एवं बाथरूम को लेकर के समस्या बताई गई जिसको लेकर के संबंधित अधिकारी से अभी चर्चा कर उस व्यवस्था को सुधारने आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाएगा।
बाकी सभी चीज़ों पर अभी व्यवस्था ठीक है। मिकता के तौर पर किसानों का टोकन अगर पहले कटा है तो उनका खरीदी पहले हो, उनका टोकन पहले कटे, ये प्राथमिकता रहेगी। इस विषय पर संबंधित अधिकारी से बात की जाएगी और अगर किसी किसान भाई के द्वारा ऐसा शिकायत किया जाता है तो उस पर भी शिकायत दर्ज कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम द्वारा पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने कहा है कि कामकाजी महिलाएं हैं बाजार में जो घूमती हैं महिलाओं व उसके लिए व्यवस्था के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, यह खास महिलाओं के लिए ही व्यवस्था की जा रही। ऐसे में रायपुर में 5 बाजारों में निर्माण किया जाएगा और इसकी टेंडर 4-5 दिनों के अंदर निकाले जाएंगे। इसके निर्माण के लिए लागत 15 से 20 लाख रुपये होगी। अभी रायपुर में 4 से 5 पिंक टॉयलेट करते हैं, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर जो कामकाजी जो हमारी महिलाएं हैं और भी जो बाजार में जो घूमती महिलाएं उनके लिए कहीं पर भी व्यवस्था नहीं है टॉयलेट की, तो उसको लेकर हम एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं जिसमें महिलाओं के लिए खासकर जो बाजार में जाती महिलाएं उनके लिए हम लोग पिंक टॉयलेट की हम लोग एक स्कीम ला रहे हैं जिसमें सिर्फ महिलाओं के लिए टॉयलेट और उनकी फीडिंग की व्यवस्था वहाँ पर रहेगी, जहाँ पर वो बच्चों को फीड भी करा सकती हैं। तो ऐसे 5 बाजार हैं जहाँ हमने चॉइस किए हैं, जहाँ पर महिलाओं को अब किसी भी प्रकार की टॉयलेट की कोई परेशानी नहीं होगी। सीएम भूपेश बघेल रणजीता स्टेडियम में आम सभा को संबोधित करते हुए जसपुर वासियों को जसपुर के तीरंदाजी सेंटर, सन्ना में महाविद्यालय, ईब नदी में पुल और सन्ना में 100 बिस्तर अस्पताल की सौगात दी है। सीएम के साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल, विधायक प्रकाश नायक सहित कई बड़े नेता मौजूद थे। सीएम ने इस दौरान आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जसपुर को इतिहास में शायद ही पहले कभी इतना लोकार्पण शिलान्यास हुआ हो। 33 साल के बाद जसपुर जिले ने 3-3 विधायक दिए हैं, जिसके लिए मैं सीएम भूपेश बघेल ने जसपुर के लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जसपुर की जनता ने विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस का साथ दिया है। आज के समारोह के मुख्य अतिथि यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से हमारा आग्रह कि वे साथ हैं, विधायक जसपुर श्री विनय भगत जी माननीय जसपुर से सन्ना के बीच में जो 9 किलोमीटर सड़क बच गया है उसे निर्माण करने की बात कही है, मैं उसकी घोषणा करता हूं। जसपुर आने के बाद यहां आत्मीय स्वागत हुआ और यहाँ करीब लगभग 800 करोड़ के शिलान्यास और भूमि पूजन का हुआ और बहुत सारी मांग हमारे विधायक जी ने रखी है उसकी घोषणा मैंने की है। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसे भूखा रहना पड़े, क्योंकि चाहे लघु वनोपज की खरीदी की बात हो, चाहे मनरेगा पूरे देश में सबसे अच्छा यहाँ क्रियान्वित किया गया है, यहाँ धान 94% किसानों का धान खरीदी किया जा रहा है जो देश में सर्वाधिक है, तो सारे प्रकार की व्यवस्था हमने की है और गोबर भी 2 रुपये किलो में खरीद रहे हैं। रायपुर में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस मुख्यालय के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। रायपुर यातायात पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो हो रहे लगातार दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को यातायात नियमों का पालन कड़ाई से कराया जाए और वहाँ पूरे रायपुर शहर में जिले भर की व्यवस्थाओं की जाएगी। इसमें 15 टीमें काम कर रही जो चौराहों और देहात के एरिया में भी यातायात नियमों का पहले समझाइश दी जाएगी और यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान 6 दिसंबर से शुरू होगा। यातायात पुलिस अभी एक अभियान चलाने जा रही है, इसको लेके क्या किस तरह से वो अभियान होगी, किस तरह से चलाने की कार्रवाई की जाएगी? बढ़ते दुर्घटनाओं को देखते हुए यातायात पुलिस रायपुर द्वारा भी एक विशेष अभियान चलाई जा रही है और ये पुलिस मुख्यालय के निर्देश भी हमें प्राप्त हुए हैं कि यातायात नियमों का पालन कड़ाई से किया जाए। तो हम जो व्यवस्था जो है हमारी है वो पूरे शहर भर में और पूरे ज़िले भर में हम व्यवस्था लगाए हैं, जिसमें हमारे 15 टीम काम करेगी। वो विभिन्न चौराहों में और देहात के एरियों में भी वो जाके पहले तो है कि वो सभी लोगों को समझाइश देंगे जो यातायात नियम है उसके संबंध में,
और उसके बाद फिर यदि नहीं मानते हैं तब हम ये कार्रवाई करेंगे और वो भी 6 तारीख से। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा यही प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम पहले समझाई दें, उसके बाद चलानी कार्रवाई करें। ये रायपुर में सदर बाज़ार में इस तरह से जो भीड़ लगी रहती है यातायात तो में भीड़ रहती है, आवक जावक लोगों को परेशानी होती है, इसके लिए पुलिस की क्या किस तरह से उस पर कार्रवाई की जा रही है, कंट्रोल किस तरह से किया जा रहा है? देखिए, रायपुर शहर की जो यातायात व्यवस्था है वो भीड़ भाड़ एरिया थोड़ा सा कम है, वहाँ पे हमारी जो पेट्रोलिंग टीम जो लगी है और प्रत्येक चौराहों में टीम लगी हुई चौराहों में ड्यूटी लगी है वो वहाँ पे व्यवस्था करते हैं, और साथ ही उसके वहाँ क्षेत्र के जो टीआई जो हैं उस क्षेत्र के टीआई हैं वो भी भ्रमण करके यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं। ये थे रायपुर के यातायात एडिशनल SP MR मंडावी। इन्होंने कहा है कि यातायात की जो अभियान शुरू होने वाली है वो 6 तारीख से शुरू होने वाली है, पहले यहाँ के जो रायपुर वासियों को पहले समझाई दी जाएगी, उसके बाद उन पर चलानी कार्रवाई की जाएगी। मैं हूँ रायपुर से चित्रा पटेल के न्यूज। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़ी मस्त है। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें, हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जागीर चांपा जिले में हो रहा है वैध प्लॉटिंग पर प्रशासन ने कार्रवाई की है, जहां पर एक बार फिर के न्यूज का खबर का असर हुआ है। जिले में हो रहे खेती भूमि में अवैध प्लॉटिंग की खबर को के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। के न्यूज की खबर के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है, खेती भूमि को अवैध प्लॉटिंग कर बिना नगर पालिका व TNC की अनुमति के बिना जमीन दलाल द्वारा बिक्री की जा रही थी। जिला प्रशासन ने जांजगीर SDM के नेतृत्व में टीम बनाकर मौके पर जाकर मुनुद रोड के पास जगदीश कश्यप नाम के जमीन दलाल के ऊपर कार्रवाई की। जिले में कई वर्षों से जमीन दलाल द्वारा खेती की भूमि को बिना नगर पालिका और TNC की अनुमति बगैर भोले भाले लोगों को बेच रहे थे। कार्रवाई के बाद जागीर SDM ने बताया कि लंबे समय से शिकायत मिल रही थी, जिसके कारण यह कार्रवाई की गई और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। द्वारा अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं, उसी तारतम्य में ग्राम मुनुंद में जगदीश कश्यप नामक व्यक्ति द्वारा चन्हा मड़वा रानी नामक स्थान पर अवैध प्लॉटिंग किया गया है। वहां के कृषकों की जमीन पर उन्होंने बाउंड्री वॉल और रोड बना दिया है, साथ ही कई पेड़ जो है बिना जिलाधीश महोदय की अनुमति के काट दिए गए हैं। तो हमारी पूरी टीम आज सुबह से वहां गई थी और पूरा प्रतिवेदन और पंचनामा बनाया गया है और लोगों के बयान भी लिए गए हैं। दंतेवाड़ा में गौधान और गौधन न्याय योजना के लोन वराटू अभियान के तहत आत्मसमर्पित नक्सली फायदा ले रहे हैं, जहां मां दंतेश्वरी सर्वधन शोध केंद्र में कलेक्टर दीपक सोनी व SP अभिषेक पल्लव के मार्गदर्शन में कुआकोंडा में 25 आत्मसमर्पित नक्सलियों ने गौ सर्वधन केंद्र पहुंचकर शासन प्रशासन द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ उठाया और रुचि अनुसार बकरी, गाय, मुर्गा व
बतख पालन की ट्रेनिंग ले रहे थे, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके और अच्छा जीवन यापन कर सके, जिसके लिए शासन प्रशासन उनका भरपूर सहयोग कर रहा है। वहीं कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि लोन वराटू अभियान के तहत आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में जुड़ने वाले माओवादियों का हम स्वागत करते हैं। SP अभिषेक ने बताया कि पहले भी यह लाल आतंक के साये में रहकर मार काट कर लोन वराटू अभियान में पिछले 4 महीने से 220 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, जिसमें 60 नक्सलियों को इनामी लोन वराटू अभियान में आत्मसमर्पण कर नक्सलियों ने उनकी इच्छा अनुसार मदद की जा रही है। कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि लोन वराटू अभियान के तहत आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में जुड़ने वाले माओवादियों का हम स्वागत करते हैं। लोन वराटू अभियान में पिछले 4 महीने में 220 नक्सली सरेंडर हुए हैं, जिसमें कि 60 इनामी नक्सली हैं। हमेशा ये बात हो रही है कि सरेंडर के बाद पहले पुलिस में ही जॉब मिलता था, काफ़ी लोग पुलिस में जॉब नहीं करना चाहते थे। लोन वराटू घर वापसी है, घर वापस आके उनको जो काम पसंद आए वो काम करें। जिला प्रशासन ने लगातार आत्मसमर्पित नक्सली के पुनर्वास के लिए कार्य किया है। उनको ट्रैक्टर दिया गया, जो लोग मछली पालन करना चाहते हैं मछली पालन की ट्रेनिंग, जो लोग मुर्गा पालन बकरी पालन गाय पालन करना चाहते हैं उनको जानवर दिए जा रहे हैं, शेड बना के दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक मील का पत्थर साबित होगा, जो बाकी नक्सली हैं जो अपने गांव से दूर चले गए, बहुत ही कठिन जीवन नक्सलवाद में व्यतीत कर रहे हैं, भय का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, डर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो भी इनको देख के आएंगे। और वो भी हाल ही में जो है लोन वराटू अभियान के तहत ज़िले में जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं, जिन्होंने आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा से जुड़ने का अपना विचार दिखाया और आकर समर्पण किया, उनको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए रोजगार हेतु अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है और उनकी सहमति के अनुसार उनकी मंशा के अनुसार जो भी वो कार्य चाहते हैं उनसे जोड़ा जा रहा है। तो हमने बड़े गुदरा के लोगों को जो है ट्रैक्टर भी दिया, भांसी के लोगों को पुराना एक ध्वस्त स्कूल को रिकन्स्ट्रक्शन का कार्य भी दिया, और ये जो अब यहाँ पे लोग हैं वो कुआकुंडा में हमारे जो समर्पित हुए थे 25 में से उसमें से 12 लोग हैं जो पशुपालन करना चाह रहे थे, तो उनको शेड स्वीकृत करके उनके शेड निर्माण का कार्य भी पूर्ण हो गया है। सब गिरमा राम कुंजा में ग्राम पंचायत नारा करता से मैं क्या ये नक्सली के हिसाब से मैं काम करता था, फिर वो आत्मसमर्पण किए गए हम लोगों को, तो हमको भी बकरी पालन का वो ट्रेनिंग के लिए हमको भी दिए गए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने राजधानी रायपुर में सदर गोला बाजार निरीक्षण किया और आम जनता से मास्क लगाने के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है, जिसको लेकर सरकार लोगों को जागरूक कर रही है और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए आग्रह कर रही है। बहलौर जिले में जिला योजना समिति के सदस्यों का चुनाव बेहद गहमा गहमी के बीच संपन्न हुआ, जिसमें एक बार फिर कांग्रेस ने बाजी मारी तो वहीं भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। जिला पंचायत सदस्यों के लिए 7 सीटों को नगर निकाय के लिए जिला योजना समिति के सदस्य के लिए 1 सीट निर्धारित थी। इन सभी सीटों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया और सफल हो गई। उक्त चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोट भी मिले। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चंद्रप्रभा सुधाकर व बहलौर नगर पालिका अध्यक्ष विकास चोपड़ा ने अपनी पार्टी की ओर से चुनाव को लेकर मोर्चा संभाला था। हालांकि इसमें सभी पार्षदों व जिला पंचायत सदस्यों की सहित कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कार्यकर्ताओं से पूरी कोशिश की थी। कहना चाहूँगा कि जिले के जितने भी पार्षदगण कांग्रेस साथी उन सभी का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद जो मुझे इस लायक समझा और अच्छे मतों से मुझे विजयी बनाए। देखो उनको पहले से पता था कि उनकी हार सुनिश्चित है, इसलिए वो बहाना खोज रहे थे और वो बहाना उनको मिल गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए K News India। नमस्कार।